अगर आप भी हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा और राशिद खान को बेहतरीन ऑलराउंडर मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मुंबई ने गुजरात को दी करारी शिकस्त, लेकिन राशिद खान ने हार के बावजूद जीता पूरे क्रिकेट जगत का दिल। जी हां दोस्तों, मुंबई की टीम ने गुजरात को 27 रनों से हरा दिया है। हालांकि हार के बाद गुजरात को ट्रोल किया जा रहा है, लेकिन इस बीच राशिद खान ने हार के बावजूद गुजरात ही नहीं बल्कि मुंबई के साथ साथ सभी समर्थकों का दिल जीत लिया है। तो आखिरकार कैसे हार के बावजूद राशिद खान ने सभी का दिल जीता, ये तो आपको बताएंगे। साथ ही साथ पूरी रन की तूफानी पारी का वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले, तो जानने के लिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है दोस्तों, गुजरात और मुंबई के बीच खेले गए रोमांचक मुकाबले में गुजरात इस मुकाबले को हार गई, लेकिन हार के बावजूद राशिद खान ने सभी को प्रभावित किया। सूर्य कुमार यादव के 103 रन की बदौलत 5 विकेट पर 218 रन का स्कोर बना। इसका पीछा करने उतरी गुजरात इस मुकाबले को हार गई, लेकिन हार के बावजूद राशिद खान ने सभी को प्रभावित किया। आपको बता दें, 219 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात की टीम की शुरुआत खराब रही। 26 रन पर 3 विकेट गिर गए और 55 रन पर गुजरात ने आधे खिलाड़ी पवेलियन का रवाना हो गए। इस बीच 103 रन के स्कोर पर 8 विकेट 13.2 ओवर में गिर गए, लेकिन इसके बाद बल्लेबाजी में राशिद खान का साथ देने जोसेफ आए। आपको बता दें, राशिद खान 13 ओवर में बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आए थे, जहां उन्होंने पहली 4 गेंदों पर 2 रन के साथ अपना खाता खोला, लेकिन इस दौरान के बाद उन्होंने तूफानी बल्लेबाजी करना प्रारंभ कर दिया, जहां 14 ओवर में 8 विकेट गिर जाने के बाद कुमार कार्तिकेय को उन्होंने 2 लगातार छक्के लगा दिए और दिखा दिया कि उनके पास भी बल्लेबाजी करने की क्षमता है। हालांकि 15 ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए जैसन बेरेंडॉर्फ को भी उन्होंने 1 चौका और 1 छक्का लगाकर लगातार दिए। हालांकि इसके बाद उन्होंने थोड़ी देर अपनी बल्लेबाजी में रुकावट की, लेकिन 17 ओवर में गेंदबाजी करने आए क्रिस जॉर्डन को उन्होंने आड़े हाथों ले लिया और 2 चौके और 1 छक्के के साथ दिखा दिया कि वो इसी तरीके से बल्लेबाजी करेंगे। हालांकि गुजरात की टीम को काफी बड़े लक्ष्य का पीछा करना था और 8 विकेट भी गिर चुके थे। ऐसे में राशिद खान ने अंतिम 3 ओवर में अपनी तूफानी बल्लेबाजी को और भी ज्यादा तूफान में तब्दील कर दिया, जहां पर उन्होंने 18 ओवर में ग्रीन के सामने 1 ओवर में 2 छक्के लगाकर गेंदबाज को नेस्तनाबूद किया और 21 गेंदों के अंदर अपना अर्धशतक लगाकर आईपीएल का पहला अर्धशतक लगाया। हालांकि गुजरात की टीम के हाथ से जीत बहुत दूर थी, लेकिन जीत के अंतर को काफी ज्यादा कम करने का कार्य राशिद खान ने कर दिया, जहां 19 ओवर में गेंदबाजी करने आए क्रिस जॉर्डन के सामने उन्होंने 1 और लंबा छक्का लगाया। साथ में T20 क्रिकेट का अपना सर्वश्रेष्ठ स्कोर भी अर्जित किया। हालांकि अंतिम ओवर बाकी था और जीत के लिए 48 रन की आवश्यकता थी। अंतिम ओवर में ऐसा करना असंभव था, लेकिन गेंदबाजी करने आए कुमार कार्तिकेय को राशिद खान ने आड़े हाथों लिया और लगातार 3 गेंदों पर 3 छक्के लगाकर ओवर के अंदर 20 रन बटोरे और इस मुकाबले में 191 रन 8 विकेट के नुकसान पर बनाए, जहां पर राशिद खान ने 32 गेंदों पर 3 चौके और 10 छक्कों की मदद से 248 के स्ट्राइक रेट के साथ 79 रन की नाबाद पारी खेली। ऐसे में बेशक मुंबई की टीम जीत गई हो, लेकिन दिल राशिद खान ने अपनी बल्लेबाजी से जीता है। हालांकि राशिद खान ने सिर्फ बल्लेबाजी में बेहतर प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि उन्होंने गेंदबाजी में भी 4 विकेट लेकर सभी को हैरान कर दिया। दोस्तों, सूर्य के कहर के आगे फीका पड़ा राशिद खान का ऑलराउंड तूफान। जी हां दोस्तों, मुंबई और गुजरात के बीच खेले गए मुकाबले में सूर्य कुमार यादव ने शतकीय प्रहार से गुजरात की टीम को नेस्तनाबूद किया। इस बीच राशिद खान ने गेंदबाजी के बाद बल्लेबाजी से मुंबई की टीम की धड़कनों को एक समय के लिए रोक दिया, लेकिन मुकाबले को गुजरात के पक्ष में नहीं ला पाए। तो आखिरकार कैसे सूर्य के तूफानी प्रदर्शन के बाद राशिद खान ने मैदान पर कोहराम मचाया, ये तो आपको बताएंगे। साथ ही साथ इस रोमांचक मुकाबले की पूरी पूरी रोंगटे खड़े कर देने वाली हाईलाइट का वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं, तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, मुंबई की जीत के हीरो कौन रहे, सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा या फिर गेंदबाज पीयूष चावला? अपनी राय नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2023 का 57वां मुकाबला आईपीएल की 2 चैंपियन टीम मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच मुंबई के घरेलू मैदान वानखेड़े स्टेडियम पर खेला गया, जहां पर इस मुकाबले में मुंबई के पुराने खिलाड़ी और गुजरात के महान कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जो बिल्कुल गलत साबित हुआ, क्योंकि पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई ने 218 रन 5 विकेट के नुकसान पर बनाए और इसका पीछा करते हुए गुजरात की टीम मात्र 191 रन पर 8 विकेट के नुकसान पर बना पाई और इस मुकाबले में 27 रन से हार गई। दरअसल इस मुकाबले मुंबई और गुजरात दोनों टीम बिना बदलाव के मैदान पर आई थी। ऐसे में मुंबई की तरफ से पारी की शुरुआत एक बार फिर से कप्तान रोहित शर्मा और ईशान किशन ने की। दूसरी तरफ गुजरात के लिए गेंदबाजी की शुरुआत मोहम्मद शमी ने की, जहां पहले ओवर में मात्र 6 रन आए, लेकिन इसके बाद रोहित शर्मा और ईशान किशन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और छक्के और चौकों की बारिश करते हुए पावर प्ले में 61 रन बिना विकेट खोकर बनाए। लेकिन इसी बीच 7वें ओवर में 61 रन के स्कोर पर राशिद खान ने मुंबई को पहला झटका दे दिया, जहां पर उन्होंने कप्तान रोहित शर्मा को 18 गेंदों पर 29 रन बनाने के बाद स्लिप
में खड़े राहुल तेवतिया के हाथों कैच आउट कराया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए, लेकिन इसी बीच 66 रन के स्कोर पर दूसरा झटका भी उन्होंने दे दिया, जहां उन्होंने ईशान किशन को 20 गेंदों पर 31 रन बनाने के बाद LBW आउट किया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए निहाल मैदान पर आए। हालांकि निहाल कुछ खास कमाल नहीं कर पाए, लेकिन छोटी एवं विस्फोटक पारी 7 गेंदों पर 15 रन बनाकर 9 ओवर में राशिद खान के द्वारा क्लीन बोल्ड हो गए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए विष्णु विनोद आए, जिन्होंने सूर्य के साथ मिलकर टीम को संभाला और 55 रन की साझेदारी की। लेकिन इस बीच 16 ओवर में मोहित शर्मा ने विष्णु विनोद को 20 गेंदों पर 30 रन बनाने के बाद अभिनव मनोहर के हाथों कैच आउट कराया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने टीम डेविड मैदान पर आए, तो वहीं सूर्य ने 32 गेंदों पर 17 ओवर में अपना अर्धशतक पूरा किया। लेकिन इसी ओवर में राशिद खान ने टीम डेविड को 3 गेंदों पर 1 चौके की मदद से 5 रन बनाने के बाद कॉट एंड बोल्ड कर दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने ग्रीन मैदान पर आए। ऐसे में सूर्य ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए अगली 17 गेंदों पर अगले 50 रन पूरे किए और पारी की अंतिम गेंद पर छक्के के साथ अपना IPL का पहला शतक पूरा किया और मुंबई के लिए शतक लगाने वाले पांचवें बल्लेबाज बने। इस दौरान सूर्य ने 49 गेंदों पर 211 के स्ट्राइक रेट के साथ 11 चौके और 7 छक्कों की मदद से 103 रन की नाबाद पारी खेली। दूसरी तरफ ग्रीन ने 3 गेंदों पर 3 रन की नाबाद पारी खेली, जिसके चलते निर्धारित 20 ओवर में मुंबई की टीम ने 218 रन 5 विकेट के नुकसान पर बनाए। इस दौरान गुजरात की टीम के लिए राशिद खान ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए, तो वहीं मोहित शर्मा को 1 विकेट मिला। हालांकि इसका पीछा करने के लिए उतरी गुजरात की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत इंपैक्ट प्लेयर के रूप में मोहित शर्मा की जगह शामिल हुए शुभमन गिल ने की। शुभमन गिल का साथ रिद्धिमान साहा ने दिया, तो दूसरी तरफ मुंबई की टीम ने इंपैक्ट प्लेयर का रूप में विष्णु विनोद को बाहर बैठाकर आकाश की एंट्री कराई। इस बीच गेंदबाजी की शुरुआत जैसन बेरेंडॉर्फ ने की, जिन्होंने पहले ओवर में मात्र 4 रन दिए, लेकिन इसी बीच दूसरे ओवर में आकाश ने 7 रन के स्कोर पर गुजरात को पहला झटका रिद्धिमान साहा के रूप में 5 गेंदों पर 2 रन बनाने के बाद LBW आउट करते हुए दे दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने हार्दिक पांडे आए। हालांकि हार्दिक पांडे आज कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और तीसरे ओवर में 1 रन रोक कर गेंद पर 3 गेंदों पर 4 रन बनाने के बाद विकेट कीपर ईशान किशन के हाथों कैच आउट हुए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए विजय शंकर मैदान पर आए, तो वहीं चौथे ओवर में आकाश ने शुभमन गिल और नोबेल ऊपर के 6 ऊपर रन बनाने के बाद क्लीन बोल्ड कर दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने डेविड मिलर आए। ऐसे में 26 रन पर 3 विकेट गिर जाने के बाद डेविड मिलर और विजय शंकर ने मिलकर टीम को संभाला और 22 रन की साझेदारी की। 8 ओवर में क्लीन बोल्ड हुए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने राहुल तेवतिया आए, तो वहीं 55 रन के स्कोर पर आधी टीम के पवेलियन लौट जाने के बाद राहुल तेवतिया ने डेविड मिलर के साथ मिलकर 45 रन की साझेदारी की। लेकिन इस बीच 12 ओवर में आकाश ने डेविड मिलर को 26 गेंदों पर 4 चौके और 2 छक्कों की मदद से 41 रन बनाने के बाद LBW आउट किया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए राशिद खान मैदान पर आए, तो वहीं अगले ओवर की अगली गेंद पर और चावला ने राहुल तेवतिया को 13 गेंदों पर 14 रन बनाने के बाद ग्रीन के द्वारा कैच आउट करा दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने नूर अहमद आए। हालांकि नूर अहमद भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और 14 ओवर में 3 गेंदों पर 1 रन बनाने के बाद कुमार कार्तिकेय के द्वारा क्लीन बोल्ड हुए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने जोसेफ आए। ऐसे में 103 रन के स्कोर पर 8 विकेट गिर जाने के बाद राशिद खान ने जोसेफ के साथ मिलकर विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 88 रन की विस्फोटक पारी खेली, जहां पर राशिद खान ने मैदान के चारों तरफ छक्के और चौकों की बारिश की। इस दौरान राशिद खान ने 18 ओवर में अपना पहला अर्धशतक 22 गेंदों पर लगाया और अंत तक नाबाद 32 गेंदों पर 247 के स्ट्राइक रेट से 3 चौके और 2 छक्कों की मदद से 17 रन की नाबाद पारी खेली। दूसरी तरफ जोसेफ ने 12 गेंदों पर 7 रन की पारी खेली, जिसके चलते 20 ओवर में गुजरात 191 रन 8 विकेट के नुकसान पर बना पाया। इस दौरान मुंबई के लिए आकाश ने 3, पीयूष चावला और कुमार कार्तिकेय ने 2-2 विकेट हासिल किए। तो जैसा कि आपको पता है, मुंबई और गुजरात के बीच रोमांचक मुकाबला खेला गया, जहां पर इस मुकाबले में गुजरात की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और बल्लेबाजी के लिए मुंबई इंडियंस की टीम को आमंत्रित किया। मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 218 रन बनाए थे। मुंबई के सबसे ज्यादा 103 रनों की पारी सूर्य कुमार यादव ने खेली। उन्होंने पारी की आखिरी 2 गेंदों में छक्का लगाकर अपना शतक पूरा किया था। उन्होंने इस पारी में 11 चौके और 6 छक्के लगाए थे और ये उनका पहला IPL शतक भी है। सूर्य ने 49 गेंदों पर 103 रनों की नाबाद पारी खेलकर मुंबई के लिए IPL में अपना पहला शतक लगाया और 2014 के बाद शतक लगाने वाले मुंबई के लिए पहले बल्लेबाज बने। एक मुकाबले में सूर्य के अलावा विष्णु विनोद ने 30, ईशान किशन ने 31 और रोहित शर्मा ने 29 रनों की पारी खेली, लेकिन सूर्या की पारी ने सभी को हैरान कर दिया। दोस्तों 61 रनों के स्कोर पर पहला विकेट गिर जाने के बाद सूर्य कुमार यादव मैदान पर आते हैं 7वें ओवर में, जहां पर उन्होंने दूसरी ही गेंद पर मिस फील्डिंग के जरिए सूर्या ने अपना खाता 4 रनों के साथ खोला और इस दौरान सूर्या ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 17वें ओवर में पिछली 7 पारियों के अंदर 5वां अर्धशतक लगाया, जो इन्होंने 32 गेंदों पर पूरा किया था। हालांकि इसके बाद इनकी बल्लेबाजी में और भी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलती है, जहां पर इन्होंने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए पारी
पारी की अंतिम गेंद पर छक्का लगाया और छक्के के साथ 49 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया। इस दौरान सूर्य कुमार यादव मुंबई के लिए सनत जयसूर्या और रोहित शर्मा के बाद शतक लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज बने। इस दौरान सूर्या ने 211 के स्ट्राइक रेट से 49 गेंदों पर 11 चौके और 6 छक्के की मदद से 103 रनों की नाबाद पारी खेली। दोस्तों वानखेड़े के मैदान पर दहाड़ा है कप्तान, हिटमैन और पॉकेट डायनेमो का बल्ला। जो यहां दोस्तों डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात के खिलाफ आर या पार की लड़ाई में कप्तान रोहित शर्मा और ईशान किशन ने विस्फोटक बल्लेबाजी कर इस कदर कोहराम मचाया जिसके सामने गुजरात के बेहतरीन गेंदबाज भी खून के आंसू रोने के लिए मजबूर हो गए।